शक्ति सफल दे। तारा के भाई ने किया राजमहल पर हमला, तारा का बना शत्रु। तारा ने अपने भाई सामने बहाए आंसू, फूट फूट कर रोते हुए कही अपने दिल की बात। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं ध्रुव तारा समय सदी से परे टीवी सीरियल की, जिसके ऑन लोकेशन से लेकर आ चुके हैं हम आप सभी के लिए एक और नई अपडेट। शो के अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से राजमहल में सूर्य प्रताप का हत्यारा दस्तक देता है, जो कि कहीं ना कहीं तारा का भाई होता है, जिसे कि तारा ने मरा हुआ समझ कर भुला दिया था। अब वही भाई तारा के लिए एक बड़ा काल बनकर आया है, जो कि अब लाशें बिछाने वाला है। और ऐसे में तारा अपने भाई को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए दिखाई पड़ रही है। तारा अपने भाई के सामने फूट फूट कर रोती है और अपने भाई के हाथों को गंगा जल से साफ करती है। तारा का कहना है कि क्या उसके भाई ने इन्हीं हाथों से सूर्य प्रताप की जान ली थी, इतना बड़ा पाप किया था, ये हाथ अब अशुद्ध हो चुके हैं। इसी के साथ तारा अपने दिल की सारी बातें अपने भाई के सामने कहती है। वहीं तारा के भाई और सूर्य प्रताप के हत्यारे पूरी तरीके से मौन धारण कर चुके हैं और अपने किए हुए पर शर्मिंदा होते हुए नजर आ रहे हैं। वेल, तो अब देखना होगा काफी दिलचस्प कि ऐसे में क्या होगा तारा का अगला कदम। वेल, क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही टेलीविजन से जुड़े ऐसे और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।